हेलो फ्रेंड्स, मैं नूतन न्यू एरा मैम नूतन कार्मल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस ठंडे में मैं आप लोगों को आज बताती हूँ कि तुलसी के पौधे की देखरेख कैसे करें कि ताकि हमारी तुलसी के पौधे सूखे नहीं और पूजा के लायक सही से रहे। चलिए फ्रेंड्स, देखिए ये मेरी तुलसी जी के पौधे, तुलसी मैया जिनका मैं हर रोज़ पूजा करती हूँ, सिर्फ संडे और ट्यूजडे छोड़ करके। ये हमने ठंडी से बचाव के लिए ये हमने लकड़ी गाड़ा है, लकड़ी डाला है इसमें, जो कि तुलसी जी के पौधे से काफ़ी ऊंचा है। और ये गमले में ही, ये मेरे तुलसी जी का गमला है, इस गमले में मैंने चारों कोने पे, तीन कोने पे मैंने लगाया है, आप चार कोने पे भी लगा सकते हैं। ये लकड़ी मैंने एक इधर डाला, एक इधर डाला है और एक इधर डाला है। ये देखिए लंबी है, पौधे से काफ़ी ऊँची है। उसमें हमने ये किए पुराना दुपट्टा डाल के और ढक दिया है कि ताकि तुलसी जी को ठंड ना लगे, उनका गुहा में इस तरह से मेरा तुलसी जी का ढका हुआ रहता है, पूरा अच्छे से ढक जाते हैं। और दिन में जब धूप निकलती है तभी मैं इनको हटा देती हूँ, इस तरह से हटा के फुल्ली हटा देते हैं, इस तरह से हटा देते हैं। और इस तरह से देखिए हमने लकड़ी काफ़ी ऊंचा लगा करके रखा हुआ है। और आप जब तुलसी जी का पूजा करते हैं तभी आप पौधे में कभी भी तुलसी जी को सिंदूर मत लगाइए। वैसे कोई और मेरे तुलसी जी ने सिंदूर लगा दिया है, कोई आकर के पूजा कर लिया है, कभी भी तुलसी जी के पौधे में, हर रोज़ तुलसी जी के पौधे में सिंदूर नहीं लगती है। उनको सिर्फ कार्तिक की जो एकादशी होती है उसी दिन, देवउठान एकादशी, तुलसी विवाह के दिन ही उनके पौधे में सिंदूर लगाई जाती है, वो भी डंठल में, पत्ते पत्ते में नहीं, पत्ते पत्ते में लगा दीजिए, आपके सारे पत्ते सूख जाएंगे। इस तरह से हमने तुलसी जी के नीचे देखिए एक पत्थर रखा है, देखिए एक छोटा सा पत्थर रख दिया है, उसी पे मैं सिंदूर लगाती हूँ और तुलसी जी के जड़ी में मैं फूल चढ़ाती हूँ। और अगरबत्ती देखते हैं कि अगरबत्ती गमले में आप पास में उनके मत लगाइए, गर्मी से पेड़ पौधे सूख जाती हैं और उनके बॉडी में गर्मी लगेगी, आग रहेगा तो क्या उनको अच्छा लगेगा जब उन्हें माता मानते हैं। इधर देखिए हमने अगरबत्ती के लिए इधर ये बना हुआ था तो उसमें हमने ये व्हाइट सीमेंट डाल करके और छः होल बना दिया, इसमें मैं अगरबत्ती डालती हूँ। और नहीं तो आप ये मिट्टी के दीप है, इसमें इस तरह से आप भर दीजिए मिट्टी और उसमें अगरबत्ती के ही लकड़ी से आप होल कर दी हूँ मैं, इसमें अगरबत्ती आराम से लग जाती है। और रही दीप जलाते हैं जब आप, तो दीप जलाते के समय भी तुलसी की जड़ी में आप, यहाँ पर तुलसी के दीप उठाता है लोग और बस जलाया और यहाँ पर ऐसे रख दिया, तो उसकी गर्मी से भी तुलसी जी को गर्मी लगती है और तुलसी के पौधे सूख जाते हैं। उसके लिए हमने एक मिट्टी का बर्तन बगल में रखा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम तुलसी जी की जड़ी में ही लगाए, कोई हमारे सर पे दीप जला दे तो हमको कैसा लगेगा, तो वो भी माता है। तो इस तरह से हमने एक मिट्टी के बर्तन बगल में रखे हैं, तुलसी के गमले के बगल में, और इसमें मैं इस तरह से दीप जलाती हूँ। जो ये काला काला लगा हुआ है इसको मैं हमेशा साफ़ कर देती हूँ, कितना भी तेज़ हवा हो मेरी दीप बुझती नहीं है। और मैं उसके तरफ बगल में एक, मैंने एक टाइल्स का टुकड़ा रखा है, जब भी बारिश होती है तो इसको मैं ऊपर से ऐसे ढक देती हूँ। देखिए नीचे मेरा तुलसी जी के बगल में दीप जलता रहता है, कितना भी आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, मेरी दीप कभी बुझती नहीं, इसमें इस तरह से जलती रहती है। और रहा कि तुलसी के पौधे में जल आप देते हैं तो ठंडी के मौसम में थोड़ा सा कम जल दीजिए, छोटा सा लोटा रखिए, बिल्कुल छोटा सा, जिससे कि आप जल। ये देखिए हमने यहाँ पे पांच तुलसी के पौधे लगा करके रखे हैं, अलग अलग पांच है, हमारा 25 फ्लैट का अपार्टमेंट है, 25 लोग छत पे आते हैं और तुलसी का पत्ता ज़रूरत होता है वो लोग ले करके जाते हैं। ये देखिए और लगाई हुई है, लेकिन इस जगह पर पांच ही हैं और एक पूजा करने के लिए लगाई हूँ, छह यहाँ पर कम से कम 8-10 गमले में मैं तुलसी के पौधे लगाए। और ये वाली तुलसी है देखिए, इसमें आपको हरे ताज़े ताज़े पत्ते दिख रहे हैं और ये सब ठंडी में पुराने हो गए हैं। इस गमले के तुलसी के पौधे हमारे लग रहे थे कि सूख जाएंगे, इसमें लग रहे थे कि सूख जाएंगे क्योंकि इसमें चींटी लग गई थी, चींटी इतनी ज़्यादा लग गई थी कि मैं बहुत कुछ कर कर के परेशान हो गई थी। तो मैं इसमें डाल दी आटा एक प्लेट, इस प्लेट से ऐसे देखिए लगभग 100 ग्राम आटा होगा, मैं इसको ली और स्पून से लेकर के इसको चारों तरफ मैं इस तरह से ऐसे ऐसे डाल दी। और इसमें ज़्यादा नमी भी हो गया था, गीला गीला मिट्टी भी हो गया था और चींटी भी हमको बहुत परेशान करती थी। तो इसमें मैंने बचपन से सुना हुआ है कि कहीं चींटी लगा तो माजी लोग
दादी नानी बोलती थी कि आटा छीट दो चींटी चली जाएगी। सही में आटा छीटने को कुछ देर बाद चींटी चली जाती थी। तो मैं यही ट्रिक अपनाई और कोशिश करके देखी कि अगर सूख जाएगा तो और ज़्यादा पौधा है रहेगा, लेकिन इसमें मैं देखती हूँ आटा डाल करके। तो मैंने इतना सारा आटा इसमें डाल दिया और एक उसमें एक सप्ताह तक मैं पानी वगैरह नहीं डाली और उसको छुआ भी नहीं, बस इसी तरह से आटा छीट करके मैं इसमें छोड़ दी। उसके बाद एक सप्ताह के बाद मैं देखती हूँ कि इसमें से अपने आप चींटी चली भी गई और मेरे पौधे देखिए कितने अच्छे हो गए हैं। सारे पौधे एक साथ के लगे हुए हैं लेकिन इसमें मैंने आटा डाल दिया तो कितना अच्छा हरा हरा इसमें पत्ता है और मंजरी भी कितनी अच्छी आई, कितनी खूबसूरत देखने में लग रही है। और मेरे फ्लावर के गमले में भी चींटी लगी हुई थी, इस गमले में आपको साइड साइड से ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, वो आटा का ही है। मैंने तुलसी वाले गमले में डाले तो मैंने इसमें भी डाल दिए तो इसमें से भी चींटी अपने आप हट गई। मैंने कोई खुरपी से इसमें कुराई करके आटा को ऊपर नीचे भी नहीं किया, ये वैसे ही के वैसे ही है और चींटी खुद ब खुद अपने आप हट गई। तो मैं खुश हो गई। मैं और सारे गमले में कभी भी मेरे को चींटी लगता है तो मैं उन पौधे पे आके पूजा करने के लिए एकदम से छोटा सा लोटिया रखिए, देखिए कितना छोटा है। ठंडी के मौसम में कम से कम उनमें कम पानी डालिए कि ताकि तुलसी मैया हमारी सूखे नहीं। और तुलसी मैया से तो हमको बहुत ही ज़्यादा विश्वास है उन पे। जब भी मैं किसी परेशानी में होती हूँ मैं घंटों बैठ के उनके पास रोती हूँ, दिल की एक एक बात उनसे मैं बताती हूँ। लेकिन सच कहूँ तो मैया तुलसी माता सुनती ज़रूर है, देर से ही सही लेकिन सुनती ज़रूर है और हर मनोकामना पूर्ण करती है। आपके पास साथ अगर कोई परेशानी है कि कोई आपको गाली दे दिया कुछ भी है, आप किसी को जवाब मत दीजिए, आप तुलसी मैया के पास बैठ करके एक दीप जला लीजिए और उनसे दिल की सारी बातें कर दीजिए, उस सारी मुरादें आपकी पूरी कर देंगी अगर आपको विश्वास है तुलसी मैया। देखिए मेरे इस पौधे में भी चींटी लग गई है, छोटी छोटी चींटी, शायद आप लोग को दिख जाए, छोटी छोटी चींटी लग गई है। मैं इस पौधे में भी थोड़ा सा आटा छिड़क दूंगी कि ताकि चींटी भाग जाएगी इसमें से। ये देखिए इसमें भी, इस पौधे में भी हमारे कली दिए हुए हैं, इसमें छोटा छोटा कली दिए हुए हैं लेकिन इसमें कितना सारा चींटी लगा हुआ है जो कि हमारे पौधे को बर्बाद कर रहा है। बहुत सारा चींटी लग गई है इसमें, इसमें भी मैं थोड़ा सा आटा छिड़क दूंगी। कैमरे में साथ चींटी नहीं आ रही है, छोटी छोटी चींटी है। इसमें भी देखिए मैं स्पून से हल्का हल्का छीट दी, चींटी खुद ब खुद भाग जाएगी। मेरे बहुत सारे पौधे में आज चींटी लगी हुई है तो मैं अभी कई से एक सप्ताह से धूप नहीं निकल रही थी तो नहीं दिख रहा था चींटी और ठंडी में मैं छत पे उतना ज़्यादा आकर केयर भी नहीं कर रही थी। देखिए कैसे चींटी भागना शुरू हो गई, इसमें से किस तरह से भाग रहा है देख लीजिए, इसी तरह से सारी चींटी भाग जाएगी। देखिए कितना ज़्यादा चींटी है, सब चींटी भाग जाएगी इसी तरह से। आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, आप लोग अपना प्यार दीजिएगा तभी मैं अपनी अनुभव आप लोग के साथ से। ये है पंच तुलसी ड्रॉप, ये हर घर में रहने चाहिए। कहीं पे कट गए हैं, जल गए हैं, चोट लग गया है या पैर में पानी लगा हुआ है, कोई विषैला चीज़ काट लिया है, मच्छर काट लिया, चींटी काट लिया, इसको आप लगा लीजिए झटपट से ठीक हो जाता है। 1 कप चाय में 5 ड्रॉप इसको डाल करके पी लीजिए, खाली पेट 1 गिलास पानी में 5 बूंद डाल करके पी लीजिए, बहुत फ़ायदा करता है। गैस नहीं बनता है, पेट में दर्द नहीं होता है। ये हर घर में रहने चाहिए, ये आयुर्वेदिक दुकान में मिलता है।